दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको, गेहूं में जो कीड़े लग जाते हैं, काले रंग का घुन लग जाता है, गेहूं खराब कर देता है, तो उसकी दवा के बारे में बताऊंगा। अब जैसे गेहूं का सीजन है तो गांव में तो किसानों के पास अपने गेहूं होते ही हैं, शहर में भी कुछ लोग गेहूं पहले ही एक साल के लिए स्टोर कर लेते हैं। ज्यादातर शहरी लोग तो वैसे फॉर्चून का, पतंजलि का आटा लेते हैं रेडीमेड, लेकिन गेहूं अगर आप साल में एक बार ले लें तो पूरे साल एक जैसा आटा मिले आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ये मंडी से गेहूं लेके आया हूँ। ये MP का सिरोही शरबती गेहूं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का गेहूं है ये, बहुत ही बढ़िया रोटी इसकी आती है, बिल्कुल सफेद तरीके की। काफी देर अगर रखे भी रहने दे तो रोटी बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट रहती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से गेहूं स्टोर करना है। तो दोस्तों गेहूं स्टोर करने के लिए मैंने टैंक बनाया था। ये टैंक हमारा, ये देखिए, पहले मैं आपको टैंक दिखा देता हूँ। इसमें सारी मैंने ये रिफ्टिंग करी थी। ये 8 फुट बाई 4 फुट की GI की शीट खरीदी थी, जिसका वजन लगभग 38 से 39 किलो के आसपास था। इस टैंक का मैं आपको साइज भी नोट करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इसमें गेहूं कितना आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस टंकी का साइज बता देता हूँ, क्या हाइट है, क्या चौड़ाई है। दोस्तों ये टंकी की हाइट 36 इंच है, यानी 3 फीट हाइट है। तो दोस्तों ये टंकी की चौड़ाई 30 इंच है, मतलब 2.5 फुट चौड़ाई है। तो दोस्तों टंकी की गहराई पूरा 18 इंच है, यानी 1.5 फीट। तो दोस्तों पहले हम टंकी में एक बोरी डाल देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि दवाई जो कीड़ों से बचाने के लिए डाली है वो कौन सी डाली है। तो दोस्तों ये 30 किलो की बोरी आती है, ये गेहूं MP का शरबती गेहूं है। तो एक बोरी हम अपने टैंक में डालते हैं। दोस्तों पहले खाली टंकी में हम एक बोरी गेहूं डालेंगे। तो ये देखो दोस्तों, एक बोरी गेहूं आ चुका है, अब हम इसमें दवाई डालेंगे। मैं दवाई दिखाई दोस्तों, गेहूं में कीड़े ना लगने की जो दवाई है, इस दवाई का नाम है जंडू मुग्ध रस। ये डब्बी में 75 रुपए की लाया था, और इस डब्बी में किस तरीके की गोलियां होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके की टैबलेट आपको मिलेंगी। अब इसे किस तरीके से पैक करके गेहूं में लगाना है वो मैं आपको, पहले एक ये सूती कपड़ा ले लें इतना बड़ा काट के, और इसकी 3 टैबलेट लेके ये बीच में रख लें, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके, और इसकी इस तरीके से गांठ लगा लें। इस तरीके की काफी सारी तैयार कर लें, लगभग 6 से 7। तो दोस्तों इस तरीके की हमने लगभग 9 से 10 गांठ बना ली है। अब इन्हें गेहूं में किस तरीके से डालना है वो मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों ये एक बोरी में पहले टंकी में डाल चुका था, इस तरीके की जो मैंने गोलियों की पुड़िया बनाई है वो मैं इसमें डाल देता हूँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक बोरी और डालता हूँ, ऊपर मैं एक बोरी और डाल देता हूँ। दोस्तों इस टैंक में 7 बोरी, मतलब 210 किलो गेहूं अब तक आ चुके हैं, और हर बोरी के बाद में मैंने एक ऐसी पुड़िया डाली है। तो ये एक पुड़िया और डाल देते हैं, इसके ऊपर एक बोरी गेहूं और डालते हैं। दोस्तों ये टंकी 9 बोरी, 20 किलो की बोरी है, मतलब 9 × 3 = 27, 270 किलो गेहूं से पूरी टैंक फुल हो चुका है। अब इसको किस तरीके से इसमें से गेहूं निकालना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको गेहूं निकाल के दिखाता हूँ। गेहूं इस टंकी से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, चौकोर डिजाइन है, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन इसका टंकी का है। तो दोस्तों ये आप दवाई लगाइए और गेहूं को पूरे साल भर के लिए बचाइए।